अवैध बिल्डिंग बनाने में प्रशासन का पूरा सहयोग, जनता में हो रही सरकारी कार्यप्रणाली की छींछी, यूनिक कॉम्प्लेक्स बनाने में 8 डिसमिल परमिशन की जगह 32 डिसमिल सरकारी नोडल जमीन के निर्माण पर बिल्डिंग को बेचने का मामला प्रकाश में, ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजकानपुर नगर पालिका के अधीन नोडल सरकारी जमीन की पट्टा पर अवैध रूप से बिल्डिंग का पूर्ण नगरपाल पूर्ण चंद्र राउत ने हाईकोर्ट में किया अपील। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार कलेक्टर को देना होगा जवाब। आपको बता दें कि राजकानपुर नगर पालिका के क्षेत्र में ओमेन कॉलेज के समक्ष गिनिक कॉम्प्लेक्स एक बिल्डर द्वारा निर्माण किया गया है, जिसका पूर्ण नगरपाल पूर्ण चंद्र राउत द्वारा शिकायत हाईकोर्ट कटक में की गई है। शिकायत को संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि कलेक्टर को इसका जांच कर कागजात पेश करने के निर्देश जारी की गई है, जिसको लेकर राजकानपुर शहर में इस बिल्डिंग को लेकर तरह तरह की चर्चा सरकारी कार्यप्रणाली पर लगाई जा रही है। अब देखना ये है कि अवैध रूप से बनी गिनिक कॉम्प्लेक्स सरकार द्वारा तोड़ी जाती है या सरकार का क्या निर्देश जारी होता है। कॉम्प्लेक्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा चर्चित अभिनेत्री कंगना रनावत की अवैध रूप से बनी बिल्डिंग पर सरकारी कार्यवाही करते हुए तोड़ दी गई। अब देखना ये है कि राजगांवपुर की इस बिल्डिंग पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार, जो कि देश के नंबर एक मुख्यमंत्री की दर्जा प्राप्त है, अब यह बिल्डिंग को लेकर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। लीगल बोलने से यहाँ पर राजगांवपुर में मैक्सिमम जगह नुजुल जमीन है, उस टाइम में नुजुल जमीन का कुछ नहीं हो रहा था, हो गया। तो वो नुजुल जमीन में पहले वो चंचकता करके उस टाइम में रायती कर दिया। उसका मतलब क्या है, उस टाइम में जो रायती किया, रायती होने से उसको बैंक लोन मिल गया, सेकंड उसको ये आरडीए में परमिशन भी हो गया, और वो ये पहला। सेकंड उसको सिर्फ 60-8.5 डिसमिल का परमिशन दिया है म्यूनसिपैलिटी 2013 में, अपने लिखा है 32 डिसमिल में, और वो सब चीज वायोलेशन किया है। सारा जमीन नोजल है, पर उसको 8.5 डिसमिल में मांगा था, 8.5 डिसमिल में परमिशन दिया है, उसका बाद में वो ये 32 डिसमिल में कर दिया। संवाददाता रामप्रिया चौधरी, VSRS न्यूज।